कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में नगर निगम द्वारा साफ सफाई, सैनिटाइजेशन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि महानगर के कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को कूड़ा रखने के लिए 20-20 किलो का थैला दिया गया है, जिसमें वे कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और निगम के सफाई कर्मी एक एक घर जाकर कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, सर शहर में करीब 18 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में सफाई की क्या व्यवस्था? कंटेनमेंट जोन में सफाई जो है डेली जो है दो बार हो रही है। दोनों बार में जो सबसे वहाँ के कंटेनमेंट जोन का विशेष सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है, वहाँ पे जो हमारी मोहल्ला निगरानी समिति है और उसके जो अध्यक्ष हैं माननीय पार्षद जी, उनकी देखरेख में जो हमारी पूरी निगरानी समिति के सदस्य हैं, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, हमारी आशा बहुएँ हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, ये लेखपाल हैं, ये सभी लोग मिलकर व्यापक पैमाने पर वहाँ पर सैनिटाइजेशन की ड्राइव, विशेष सफाई अभियान, फॉगिंग का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं, चूँकि जिस कंटेनमेंट जोन में जहाँ पर एरिया है वहाँ के घरों से बायो वेस्ट निकलेगा, जो कूड़ा करकट निकलेगा, उसको हम लोग अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए पीले रंग का उनको बड़े बड़े लगभग 20 किलो कूड़ा इसमें आ सकता है, उतने बड़े वाले उनको बैग दिए गए हैं। एक अलग से टाटा मैजिक गाड़ी लगाई गई है उन कूड़ों को अलग से कलेक्ट करके उसको अलग ले जाकर डंप करने के लिए। तो ये पूरी कंटेनमेंट जोन को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है कि पूरी तरह से इस पर मतलब डेली सुबह शाम और व्यापक पैमाने पर सैनिटाइज कराया जा रहा है। हमारी बड़ी वाली गाड़ियाँ जा रही, साथ ही साथ जो हमारे जो हाउस होल्ड मशीनें हैं, जो हैंडहेल्ड मशीनें हैं, उनको लेकर हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो एक एक घर में जा रहे हैं, डोर टू डोर जाके वो सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। तो व्यापक पैमाने पर जो सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमको जो कोरोना की ये संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक करने में बहुत मदद मिल रही है।